हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र शर्मा फिर एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, स्किल्स एंड नॉलेज। जैसे कि पिछली 2-3 वीडियोस में मैंने आपसे बात करी, मैंने भेड़ चाल की बात करी, मैंने ग्रेजुएशन की बात करी, फिर मैं अब बात कर रहा हूँ स्किल और नॉलेज। एक्चुअली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जिस पैटर्न की एजुकेशन हम ले रहे हैं, जैसे हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसका जो पैटर्न है, जो इसकी नॉलेज है, ये जो कोर्सेज हैं, ये तकरीबन 20-25 साल पुराने से लगातार उसी तरह से चलते आ रहे हैं। पूरी दुनिया चेंज हो रही है। आप एक चीज़ समझिए, जो ये ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, ये 25-30 साल से जैसे चलते आ रहे थे, हूबहू, बहुत कम इनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये वैसे ही लगातार चलते आ रहे हैं। तो उससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब जो नॉलेज चाहिए, अब जो स्किल्स चाहिए इस ग्रेजुएशन के बिहाफ में, वो कहीं ठहरती नहीं है। अब जो कहीं भी आप जाएंगे, जो स्किल आपको उम्मीद की जाती है, ये कोर्सेस, ग्रेजुएशन के कोर्सेस से वो स्किल आपको डेवलप नहीं होती। तो आपको बेसिकली समझना पड़ेगा कि नॉलेज की कैटेगरी में क्या आ रहा है और स्किल्स की कैटेगरी में क्या आ रहा है। अभी जो जमाना है, अभी जो करंट जो सिचुएशन है, अभी जो वर्तमान जो चल रहा है, वो स्किल्स पे फोकस है। नॉलेज किसे कहेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल, आपने हाई स्कूल करी, इंटर करी, इंटर के बाद ये सब, और ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, ये सब क्या है? आपकी बेसिक नॉलेज में आ रहा है। तो आप जो अब ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये क्या है? एक नॉलेज है। अब इस नॉलेज को कैश करने के लिए समय नहीं है। ये नॉलेज हो सकता था 20-25 साल पहले बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती होगी, लेकिन इस नॉलेज की आज कोई खास वैल्यू नहीं है। यही वजह है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कोई भी प्रॉपर अच्छी सैलरी वाली जॉब आपको नहीं मिल रही है। हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी अपने टारगेट को लेके, आप IAS की तैयारी करने वाले हैं, आप BEd की तैयारी करने वाले हैं, आप CDS की तैयारी करने वाले हैं, यानी आपको अपना मकसद एकदम क्लियर पता है, तब आप अच्छे से ग्रेजुएशन करें, समझ में आता। लेकिन ये इसकी, इससे जो नॉलेज आप गेन करोगे, इसको कहीं भी आप यूज नहीं कर सकते, कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो आपको समझना पड़ेगा ये नॉलेज अब कहीं पर इसका यूज नहीं है, बहुत कम यूज है, बहुत कम। और अगर हम बात करें स्किल की, इसकी बात आप सुनेंगे, आपको हर जगह स्किल 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 कई बार सुनने को मिलेगा, क्योंकि अब जो टाइम है वो स्किल्स का है। क्या मतलब है स्किल्स का? स्किल्स का मतलब ये है कि जब आपके अंदर किसी चीज़ को आप इतने अच्छे से सीख लेते हैं कि उसी के बिहाफ पर आपको कहीं जॉब मिलने शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप बात करें कि अगर आपको ड्राइविंग स्किल आती है, आप ड्राइविंग करना जानते हैं, तो उसके बिहाफ पर ये स्किल आपके पास है, तो आप कहीं जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह से समझिए कि अगर आपको प्लम्बिंग का काम आता है या आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, तो अपनी इस इलेक्ट्रिशियन की नॉलेज की वजह से, स्किल की नॉलेज में, आपको कहीं ना कहीं जॉब जरूर मिल जाएगी, आपको काम मिल जाएगा, ऐसा होता है। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप एक अच्छी सैलरी चाहते हैं या अगर आप अपना अच्छा काम करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्तमान के समय के हिसाब से आप अपनी कोई ना कोई स्किल डेवलप करें। विदाउट अपनी स्किल डेवलप करें, आप ये उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। अभी आपको देखना है आपको किस तरह की स्किल को डेवलप करना है। इस टाइम अगर अपनी आंखें खोलें, अगर आप अपनी समझ बढ़ाएं, भेड़ चाल से हटके आगे देखें, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो आपको भी उस स्किल को समझना पड़ेगा। कल तक जो कंप्यूटर था, कुछ समय पहले तक बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करने वाला था, उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा वैल्यू कर लेती थी, लेकिन आज क्या है, हर हाथ में एक वो है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उसकी अहमियत अब उतनी नहीं रही। जो उसके एक्सपर्ट हैं उनके लिए वैल्यू है, लेकिन एक नॉर्मल बंदे के लिए उसकी कोई अहमियत, खास अहमियत नहीं रह गई। तो आपको समय के साथ साथ लगातार अपडेट रहना पड़ेगा कि इस समय के हिसाब से कौन सी स्किल मेरे लिए बेटर है। फॉर एग्जांपल समझिए, अगर आपकी स्किल मोबाइल रिपेयरिंग की है, मोबाइल रिपेयर करने की स्किल आपके अंदर है, तो आप मजे से 12-15 हज़ार रुपये महीना मजे से कमा सकते हैं। कितनी डिमांड है आप देखिए ज़रा। तो आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा, इस बात को समझिए अभी के वर्तमान के समय के हिसाब से स्किल की अहमियत क्या है, किस किस स्किल्स को अगर आप अभी डेवलप करना शुरू कर दें, ऐसे कोर्सेज करना शुरू कर दें जिससे आपकी स्किल अच्छे से बेटर हो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो आगे की लाइफ आपकी बहुत आसान हो जाएगी। अगर अभी भी इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी आपको समझ में नहीं आ रही, तो माफ़ कीजिएगा, आगे आगे जाके आपको बहुत परेशानी होने वाली है।
तो दोस्तों अपनी स्किल डेवलप कीजिए, अपनी स्किल पे काम कीजिए। अगर नहीं पता स्किल क्या होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। स्किल कहीं भी है, मेडिकल लाइन में जाएंगे, कुछ ऑपरेट करना है, मशीन ऑपरेट करना है, आपको ITI करनी, कुछ भी करना है, सब कुछ स्किल पर डिपेंड करता है, अपनी स्किल डेवलप कीजिए। तो दोस्तों मैं सुरेंद्र शर्मा, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।